बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इंतहाई अफसोसनाक की खबर है कि जनाब बलैन सिंह साहब दुनिया से रुखसत हो गए हैं। बड़े अच्छे सियासी नेता रहे हैं और उन्होंने अकलियतों के लिए काफ़ी काम किए हैं और ख़ास तौर से आलिमों की वो बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। मुझे याद है इसी तरह से जब हम लोग मिलने जाते थे तो वो लेने भी आते थे और हम लोग वापस होते थे तो जब तक गाड़ी हम लोग चली नहीं जाए तब तक वो इंतज़ार करते रहते थे, खड़े रहते थे। जबकि हम लोग बार बार कहते थे कि आप बुजुर्ग हैं, आप अंदर चले जाइए, लेकिन वो जब तक हम लोग चले नहीं जाते थे तब तक वो खड़े रहते थे। उनकी बुजुर्गी थी, उनका अखलाक था और मैं तो समझता हूँ कि ऐसा अखलाक अब हमको किसी भी सियासी लीडर में नहीं मिलता है जैसे अखलाक वगैरह ख़ास तौर से आलिमों के लिए और दरूनों के लिए करते थे। ऐसा मुजाहरा तो कोई सियासतदान नहीं करता है। उन्हीं ने हमारी कौम के लिए भी काफ़ी काम किए हैं जिनके लिए हम उनके हमेशा आभारी रहे हैं। जैसे 13 अरब की छुट्टी उन्होंने करवाई, हम लोग गए वहाँ, बहुत दिनों से मुतालबा था जो है जब छुट्टी वाले के लिए नहीं हो रही थी, हम लोग गए अपने कुछ साथियों के साथ और हमने मुतालबा रखा कि 13 अरब की छुट्टी करवाइए, तो फ़ौरन उन्होंने हमारी बात को माना। और उसके बाद फिर उनका फ़ोन आया कि भाई एक छुट्टी और जो है वो मांगी जा रही है, तो हमने कहा कि आप जुमतुलवदा की छुट्टी करवा दीजिए, तो उन्होंने हमारे ही कहने से जुमतुलवदा की छुट्टी करवाई। और उसके बाद कुछ नकली लीडर जिनको सिर्फ अखबार के जरिए इस्तेमाल हुआ, उन्होंने बाहर अपनी तरफ उसको मंसूख कर लिया, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, मकसद ये कि उनका बहुत बड़ा काम था। इसी तरह से आपने जो तनबाद के इमामबाड़ा देख रहे हैं, इतना अजीम इमामबाड़ा, इस पर भी गैरों के कब्जे थे, बहुत बड़ा एक माफिया था उसके कब्जे थे। हमने जो मैंने पासदार हुसैन बनाई थी उसने वहाँ पर मुजाहरे किए और उसके बाद उन्होंने दरवाज़ा ज़बरदस्ती खोला इमामबाड़े का, उसके अंदर पहली मरतबा 55 साल बाद मैंने मस्जिद पढ़ी। इमामबाड़े की हालत अंदर बेइंतहा बुरी थी, बहुत ही ख़राब हालत थी, उस पर वहाँ मस्जिद पहली मरतबा मैंने मस्जिद पढ़ी। और उसके बाद अगले साल दूसरे साल मैंने ऐलान किया जुमे के बाद यहाँ से बहुत बड़ा जुलूस गया सिफ्तराबाद के इमामबाड़े और ऐलान हुआ, ये मुहर्रम शुरू की तारीखों में हुआ था। उसके बाद ऐलान किया कि 6 मुहर्रम से इमामबाड़ा फरम आपकी मस्जिद से सिफ्तराबाद में मुंतकिल हो जाएंगे, ये मेरा ऐलान था हज़रत जन में। तो उसको संज्ञान में लिया हमारे मुलायम सिंह साहब ने और शाकिर अली साहब जो उस वक्त उनके फॉरन काम में लगाया, वो मेरे साथ गए, सारी तस्वीरें मौजूद हैं, पूरा उन्होंने मुआयना मुंतकिल हो जाएंगे, ये मेरा ऐलान था हज़रत जन में। तो उसको संज्ञान में लिया हमारे मुलायम सिंह साहब ने और शाकिर अली साहब जो उस वक्त उनके फॉरन काम में लगाया, वो मेरे साथ गए, सारी तस्वीरें मौजूद हैं, पूरा उन्होंने मुआयना किया सिफ्तराबाद का। उसके बाद उन्होंने उसको पूरा खाली करवाया, इसके लिए हम बहुत आभारी रहे हमेशा मुलायम सिंह साहब के। लेकिन एक उसकी कोशिश हमारे तो बहुत दिन से जारी थी, लेकिन बात उन्हीं ने आखिर में हमारी सुनी। इसी तरह से यहाँ पर आलमनगर में बहुत बड़ी ज़मीन जो एक बहुत बड़े माफिया के कब्ज़े में थी कि जहाँ किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वहाँ पर कदम भी रख सके, हम उनके पास गए और वो ज़मीन गुरी ने आज़ाद करवाई और आज 1000 फैमिली वहाँ के ऊपर जो है वहाँ पर बसी हुई हैं और कई काम उन्होंने शुरू के लिए किए जिसके लिए हम उनके एहसानमंद रहेंगे। और हम तादियत पेश करते हैं उनके साहबजादे अखिलेश यादव जी को कि और दुआ है कि ऊपर वाला उनको सब्र दे बड़ी मुसीबत में, और उनके दुआ है कि वो भी वैसे ही काम करें कि जैसे उनके फादर ने उनके पिताजी ने किए थे, ताकि उनको भी वही मकबूलियत हासिल हो जो उनके पिताजी को हासिल थी। ये हमारी दुआ है उनके सिलसिले में और उनको और उनके पूरे परिवार को, पूरे खानदान को हम ताज़ी पेश करें।